Hey everyone, so I'm back again. Now today we will be starting a new chapter of class 11. We'll be doing class 11th and 12th side by side. So it's the first chapter of class 11th, the living word. So now we'll be starting about it. So what is living word, if we ask? So everything which we see around आस लाइक होल माउंटेन्स, जो भी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशंस, डेजर्ट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी लिविंग वर्ल्ड में आती हैं। अब लिविंग वर्ल्ड से पहले हम लोग को समझना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। तो लिविंग क्या होता है? जिसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, कोई भी चीज़ या कोई बदलाव आए तो तुरंत उसको देखते हुए अपनी बॉडी में चेंजेस लाना, मीन्स सूटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आर माइंड इमीडिएटली। ये सारे यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। तो उसमें दो तरीके की ग्रोथ होता है, एक इंक्रीज इन मास फर्स्ट नंबर एंड सेकंड इज इंक्रीज इन नंबर। इन दोनों को उनका नंबर में, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, तो अमीबा डिवाइड कर करके अपना नंबर में बढ़ता जाता है। और क्या बोलते हैं, कुछ होते हैं जिसमें मास का बढ़ने को कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। किसी के अंदर ग्रोथ हो रही तो उनके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स ज़रूर देखे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता है कि प्लांट में ग्रोथ किससे कैसे होती है। प्लांट में हमारा होता है सेल डिवीजन, जिससे क्या बोलते हैं वो ग्रो करते हैं। और प्लांट में सेल डिवीजन होता है, और एनिमल में हमारा होता है सेल डिवाइड करती है, नई सेल को बर्थ देती है और पुरानी सेल्स क्या बोलते हैं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लांट की ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूस होती है, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए होती रहेगी। ठीक है, लेकिन एनिमल की एक सर्टेन एज तक होगी। ठीक है, एनिमल्स की सर्टेन एज तक होगी। अब हायर एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज होती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो हम लोग जैसे देखते हैं कि ग्रोथ हर चीज़ में दिखती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि माउंटेन हो गया, एक छोटा माउंटेन जब उसमें ढेर सारी सैंड भरती जाती है तो उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। तो ये भी तो एक ग्रोथ है, बाहर से वो बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। तो ग्रोथ, इसी वजह से ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों में भी देखी जा रही है जो कि नॉन लिविंग है। हेंस ग्रोथ इज not taken as a defining
प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर विच विल बी टॉकिंग अबाउट, टिल हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या बोलते हैं, हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि अलग अलग चीज़ों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हम लोग को सबको पता है कि रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, थ्रू रीजेनरेशन, ठीक है। किससे होता है, थ्रू रीजेनरेशन, ठीक है। इसे कि एक कोई भी पार्ट हम लोग प्लेनेरिया का काट दें, ये है, इसको काट दिया तो प्लेनेरिया जो है हमारा उतने पार्ट को रीजेनरेट कर देगा, फिर से उगा लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रू रीजेनरेशन। सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गे। इसमें क्या होता है कि ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन। हम सबको पता है क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और फिर हर एक नया फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराता है, ओके। तो ये हो गया हमारा इसमें। और फिर हम लोग को एक तो सबको पता है कि अमीबा है ना, अमीबा भी यही होता है, एक यूनिसेल्युलर एल्गे है जो डिवाइड करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म को, इसमें हम लोग कहते हैं इसको बाइनरी फिजन, ठीक है। फिर इसीलिए कहा जाता है इसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हमारा क्या हो गया अमीबा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे उनकी बॉडी में जो हम लोग उनको कह रहे हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो उसी तरह से अपनी बॉडी में ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो बोथ आर द सेम थिंग फॉर देम, ओके। बट देयर आर सम एनिमल्स लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी। स्टेराइल मीन्स विच कैनॉट गिव बर्थ। इनफर्टाइल इन ह्यूमन बींग्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स विच कैनॉट गिव बर्थ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो विल बी मूविंग अहेड। नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज मेटाबॉलिज्म, विच इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक So what is metabolism? This definition of metabolism we all know for since a long time. Sum total of all chemical reactions occurring in a human body is called metabolism, okay. So non-living objects do not exhibit metabolism, but there are
सम ऑर्गेनिजम्स इन विच मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अकरिंग आउटसाइड द बॉडी. सो इन अ टेस्ट ट्यूब यू कैन सी दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अकरिंग एंड विच इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. हेंस मेटाबॉलिज्म बट दोज रिएक्शन विच आर अकरिंग इन दैट टेस्ट ट्यूब इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली. सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ एट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच वी ऑल नो. सो वंस यू कैन से ऑल्सो दैट इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So the next which comes is cellular organization, arrangement of cell is called cellular organization. So it is a defining characteristic. So the next thing which comes is consciousness. कॉन्शियसनेस क्या होता है अब देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट में तो हमारी बॉडी को तुरंत पता चल जाता है. जैसे वेदर चेंज होता है तो हम लोग को ठंडी लगने लगती है. कोई भी चेंजेस आ रहे हैं प्लांट्स में, जैसे कि कोई भी चेंजेस आए, और जैसे अलग अलग प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट सीजन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. कुछ कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कुछ सीजनल एनिमल्स होते हैं, मतलब कुछ सीजन्स में ही वो क्या बोलते हैं निकलते हैं, नहीं तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक सेंस, मतलब एनवायरनमेंट को सेंस करने की शक्ति है विच इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो बाकियों में नहीं पाई जाती है. तो विच ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स. सो हेंस सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ऑफ living organisms. But sometimes it's said that the person lying in coma, which is connected to some machines, and the patient has no self-consciousness, but the patient is living. Okay? A question is given in your NCERT also, the patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life are living or non-living? So the answer will be living. So living organisms have some characteristics, or you can say amazing features, like self-replicating. Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system, responding to external stimuli. जो replicate कर सके,
इवॉल्व कर सकें, अपनी बॉडी में नए नए चेंजेस ला सकें अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट, अपने अंदर का जो सिस्टम होता है उसको खुद सेल्फ रेगुलेट कर सकें और रिस्पोंड कर सकें। अगर जिनको गर्म लग रहा है, उन्होंने तुरंत से गर्म चाय छू दी तो तुरंत से अपना हाथ उठा लिए तो रिस्पोंड कर सके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। तो ये सारे हम लोग की प्रॉपर्टीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हम लोग नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि पहली चीज़ हम लोग को जो जानना होगा इसमें बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जितने भी नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितने भी टाइप के जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ में उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी में कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ 1.7 to 1.8 million। ओके, आपको अपनी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब एनसीईआरटी तक ही रखनी है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द मेन थिंग विच कम्स इन ऑल ओवर एग्जाम्स। सो यू हैव टू कीप ईच एंड एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन दिस इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज गिविंग नेम टू एनी थिंग और एनी एनिमल विच इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड, सॉरी, नेम गिवन टू एनीथिंग लाइक गिवन टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। So third thing which we'll be seeing now is identification. Identification is if we are giving a name to an organism, that organism should be identified with that name all over the world. So described correctly and seen by same name all over the world. Okay, so identification, so there are different kind of you can say big science established procedures which gave names to plants and animals. So which gave name to plants, its name is ICBN, International Code for Botanical नॉमेनक्लेचर। जो प्लांट्स को नाम देती है उनको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और जो एनिमल्स को देती है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। साइंटिफिक नेम के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म जिसको दिया गया है तो वो उसका ही सिर्फ हो, ठीक है। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज
has only one name, किसी और के पास उसका नाम ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है सच सो सच नेम हैज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के पास भी एक नाम हो लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी ऐसा तो और भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये नाम ना पाया जाए। तो ये दोनों मेन क्राइटेरिया होने चाहिए साइंटिफिक नेम देने के लिए, ठीक है। सो इफ़ यू ऑल वॉन्ट मच मोर बेटर रिजल्ट ऑन योर बायोलॉजी सो काइंडली स्टार्ट मेकिंग नोट्स विथ मी ओनली। सो बाय दिस यू विल बी हैविंग टू टाइम रिविजन, वंस बाय लिसनिंग द सेम थिंग एंड अदर बाय राइटिंग। सो दिस विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड यू विल बी स्टार्ट लर्निंग थिंग्स मच faster. And if you're liking my notes, kindly do subscribe my channel and like my video, and kindly see my video for a much longer time. And if there is some problem, you can write those problems in the comment box. I'll be improving on those because due to some problems I have to do videos at a certain gaps, but I'll be trying to do in a regular basis also. So now we'll be continuing over here. So each name has two components, okay, kindly see this carefully. Each name has two components. Number one is generic name and second one is specific epithet, okay. As a single name having two components, hence it is called binomial nomenclature, ठीक है। जब एक नेम के दो कॉम्पोनेंट्स हो तो उसको हम लोग binomial nomenclature कहते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को दिया किसने था, साइंटिस्ट नेम इज़ वेरी नेसेसरी गिवन बाय कैरोलस लीनियस। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो कैरोलस लीनियस ने हम लोग को ये दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इधर इसका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इसमें जो हमारा मैग्नीफेरा है, ठीक है, मैग्नीफेरा हमारा क्या हुआ, जीनस हुआ, और इंडिका क्या हुआ, स्पीशीज हुआ हमारा, ठीक है। तो हम लोग को कुछ इसके रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो पहला रूल होता है कि ये हमेशा लैटिन में लिखना चाहिए या फिर इटैलिक्स में, वैसे होता लैटिन में लेकिन उसको लिखा इटैलिक्स में जाता है। तो पहला वर्ड हमेशा हमारा जीनस बताएगा, ये जो हमारा हो गया हमेशा जीनस बताएगा, और सेकेंड हमारा हमेशा स्पीशीज़ बताएगा। तो जीनस जो हमारा होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, कैसा होगा, कैपिटल में, और जो हमारा स्पीशीज़ होगा उसका जो आई होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, कैसा होगा, स्मॉल लेटर। अगर हम लोग हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हम लोगों को क्या बोलते हैं, अलग से सेपरेटली उसको अंडरलाइन करना है, क्या बोलते हैं, नेम को, ठीक है। और अगर कोई ऑथर का नेम लगाना है तो हमेशा वो हमारा स्पीशीज़ के मींस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, जिसको हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर ये नाम लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने, तो यहाँ पे हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में लीनियस लिखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन। अब इतने सारे एनिमल्स हैं तो इतने सारे एनिमल्स को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सके,
पढ़ सकते उनको, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए, कुछ उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए हम लोग को जो चीज़ें दिख रही हैं उनको देखते हुए हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट categories based on easily observable characters। ठीक है, इन सब को देखते हुए हम लोग इनको कुछ characteristic देखते हुए इनको बांटते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिफिक टर्म दिया जाता है कैटेगरीज को, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सा। ठीक है, सो कुछ साइंटिफिक टर्म होते हैं जैसे टैक्सा। ठीक है, तो कैटेगरीज के से हम लोग का, जैसे हमारा हो गया प्लांट, ये एक टैक्सा है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और हमारा जैसे हो गया वीट, वीट भी अलग अलग टाइप का होता है, तो वो भी इस तरह कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, अब हमारा जैसे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है हमारा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, सो क्या हो सकती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक? वो हो सकता है हमारा एक्सटर्नल / इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो सकता है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसेस हो सकता है, कैसे वो आया। ठीक है, और उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टराइजेशन करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, ये सारे पार्ट हैं हमारे किसके? टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, एज वी ऑल नो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा से कोई भी चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टमैटिक्स है सिस्टमैटिक्स क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटी, कहाँ तक वो फैले हुए हैं, किनका उनका रिलेशन किन के साथ क्या है, इसी पार्ट को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर diversities and relationship among them। ठीक है, इसको हम लोग systematics कहते हैं। systematics word हमारा कहाँ से आया? ये word हमारा आया है systema से। systema एक Latin word है हमारा। कैसा word है? Latin word है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो
अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे हम लोग की जो टॉपिक्स बची हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम काइंडली डू कमेंट. आई विल बी श्योरली टेकिंग योर प्रॉब्लम्स अंडर माई कंसिडरेशन एंड आई विल बी वर्किंग ऑन इट एंड या सो टूडल्स.